भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कभी बौद्धों को अम्बेडकर बाद की कोई भी मूवमेंट को रोकने का काम नहीं करता है। कि अगर कोई भी दलित क्रिश्चियन और मुसलमान बनता है तो उसको आरक्षण लाभ नहीं मिलना चाहिए, उसकी आरक्षण लाभ खत्म करना चाहिए। दलित समाज के लोगों जो आपको क्रिश्चियन बनाए मुसलमान बनाए उसको आप जवाब दीजिए, नहीं तो आप नकली अम्बेडकरवादी हैं। पहले पाकिस्तान में बौद्धों की संख्या 25% थी, आज वहाँ 2% है। वो धीरे धीरे अपने तलवार के बल पे अपने जोर जबरदस्ती करके बौद्धों को मुसलमान बनाया जा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय को मुगलों ने जलाया। बुद्धाय जैविन साथियों, मैं हूं प्रदीप बौद्ध और आप देख रहे हैं चैनल मॉन्क मिशन। आज हमारे साथ भारतीय बौद्ध संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भंते संघ प्रिय राहुल जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। भंते जी, 2 साल के बाद ऐसा मौका मिला है कि जो बुद्ध पूर्णिमा है दोबारा मनाई जाइए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आपको दे रहा हूं। कोरोना महामारी के कारण 2 साल से पब्लिक के बीच में बुद्ध पूर्णिमा नहीं मनाया गया, लेकिन भारतीय बौद्ध संघ पिछली बार भी जूम पर अरुणाचलम के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल जी के साथ मिल करके, और पिछली बार उनको हम लोगों ने चीफ गेस्ट बुलाया था। उससे पहले आरएसएस के कुछ नेताओं के साथ हम लोग ने मिलकर के किया। भारतीय बौद्ध संघ हर साल अपने दलित समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के संतों को और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती और ख़ासकर बुद्ध पूर्णिमा को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध को दिन जो आज है बुद्ध पूर्णिमा, 3 चीज़ों से उनका दिन माना जाता है। एक तो उनका जन्म, एक पर निर्माण दिवस जन्मदिन, और एक उनका दीक्षा, उनको आज के दिन उनको दीक्षा भी मिला था और ज्ञान प्राप्त हुआ था बुद्धगया में, जो उनका जन्मस्थली कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में, और उनका जो जन्म हुआ उनका पर निर्माण कुशीनगर हुआ जो उत्तर प्रदेश में है, और उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्धगया में जो बिहार के अंदर है, ये 3 चीज़ें आज के ही दिन तथागत भगवान बुद्ध को मतलब हुआ। और दुनिया में, मैं आज भारत के अंदर नहीं कह रहा हूँ, दुनिया में भगवान बुद्ध ने बिना त्रिशूल बिना तलवार बिना कोई हथियार के लेकर के दुनिया को सत्य और अहिंसा के पे चल करके दिखाया, और देश में नहीं दुनिया में रोशनी दिया है बुद्ध ने। बंती जी, ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे अपना पाकिस्तान हो गया या अपना अफ़गानिस्तान हो गया या अपना देखा जाए तो नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियों को भी तबाह कर दिया गया है, इसे जो बौद्ध धर्म है उसको पीछे ले जाने की कोशिश करी है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप में आपके टीवी के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। मुसलमानों के मुग़लों की जो मुग़लों की नीयत और नीत है वो देश को टुकड़ा करना और धर्म को नीचे दबाना है। नालंदा विश्वविद्यालय को मुगलों ने जलाया। ताइवान में जो बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति थी उसको अफ़गानिस्तान के लोगों ने उसको तोड़ा, खंडित किया। पिछली साल पाकिस्तान के अंदर में 300 बुद्ध की मूर्तियों को खंडित किया गया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, देश के उन सकुलर लोगों को जब ताइवान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई, पार्लियामेंट के अंदर चल रहा था, किसी ने इसका क्वेश्चन पेपर नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद माननीय राजनाथ सिंह, जो भारत के समय रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया, कहा कि ताइवान में बुद्ध की जो मूर्ति तोड़ी गई है सबसे बड़ी घिनौनी चीज़ है। साथियों, आज बड़े पैमाने पर जहाँ पे बौद्ध बिहार हैं, चाहे वो बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान में है, पहले बौद्धों की संख्या 23% बांग्लादेश में थी, आज बौद्धों की संख्या 3% है। पहले
पाकिस्तान में बौद्धों की संख्या 25% थी, आज वहाँ 2% है। वो धीरे धीरे अपने तलवार के बल पे अपने जोर जबरदस्ती करके बौद्धों को मुसलमान बनाया जा रहा है। और आज भी देश भारत से ऐसे देश में भी हो रहा है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो 56 में हमें बौद्ध धर्म ग्रहण कराया और उन्होंने कहा कि समता मूलिक समाज स्थापना करो और भाईचारा पैदा करो, मुसलमान आज भी दलितों और आदिवासियों के बीच में जा कर के मुसलमान बनाने का काम कर रहा है, क्रिश्चियन भी यही काम कर रहे हैं, तो देश को टुकड़े करने की काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ बुद्ध पूर्णिमा पे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये संदेश था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं भारत जीवित भी मेरी भारत है और मेरी मृत भारत है अम्बेडकरवादियों। 1935 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, और बड़ा अध्ययन करने के बाद वो मुसलमान नहीं बने, क्रिश्चियन नहीं बने, और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। भारत का ही धर्म है, इसलिए मैं आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ दलित समाज के लोगों, जो आपको क्रिश्चियन बनाए मुसलमान बनाए उसको आप जवाब दीजिए, नहीं तो आप नकली अम्बेडकरवादी हैं। और मैं भारत सरकार के आपके टीवी के माध्यम से ये भी बात आपको स्पष्ट रूप में कहूँगा कि अगर कोई भी दलित क्रिश्चियन और मुसलमान बनता है तो उसको आरक्षण लाभ नहीं मिलना चाहिए, उसकी आरक्षण लाभ ख़त्म करना चाहिए भारत के गृहमंत्री जी को। बंते जी, कुछ लोग नहीं, काफ़ी सारे लोग जो हैं जो बौद्ध धर्म से अम्बेडकरवादी हैं, चाहे वो असली हो या नकली नहीं बताया जा सकता, मगर वो आप पे टिप्पणी करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो आरएसएस के हैं, ये बीजेपी के हैं, ये बौद्ध धर्म को ले आके ये इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में सहयोग कर रहे हैं, मोहन भागवत पर ये कुछ नहीं बोलते, वो चाहे दलितों के लिए कुछ भी बोले, तो इसके बारे में आप उन लोगों के लिए क्या कहने चाहिए? 3 साल पहले इसी सभागार में मोहन भागवत जी आए थे और मोहन भागवत जी हमारे चीफ गेस्ट थे, हमारे भारतीय बहुसंघ के बैनर पर आए थे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कभी बौद्धों को अम्बेडकरवाद की कोई भी मूवमेंट को रोकने का काम नहीं करता है। कल बुद्ध पूर्णिमा का भगवान बुद्ध का जन्मदिन है, कम से कम जितने शाखाएं लगेंगी आरएसएस की सब जगह बुद्ध का जन्मदिन मनाया जाएगा और बाबा साहब के जन्मदिन पर भी मनाया जा रहा है। जो लोग कह रहे हैं वो खुद डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधाराओं को रोक रहे हैं, और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधाराओं को आगे बढ़ाई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 तीर्थ स्थान बनाया है और जो माननीय मोदी जी का प्रयास है कि भगवान बुद्ध की जो जितनी हो, चाहे उनकी मृत्यु हो, जन्म हो, और जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन पे सब में कार्य बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है, चाहे सड़क का काम हो, मंदिरों का काम हो, सब बहुत अच्छे ढंग से, कोई रोकने का काम नहीं करें। कांग्रेस पार्टी अन्य दलों ने, आपको अभी मालूम होगा चुनावी रणनीति में कभी समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो भी लगाना नहीं चाहा, अब की बार राजनीतिक हिसाब से कुछ दलित समाज के लोग राजनीतिक दृष्टिकरण से अम्बेडकरवाद को और बुद्धिज्मवाद को दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी अम्बेडकरवाद को, बुद्धिज्मवाद को आगे बढ़ाना चाहती है और उनकी विचारधाराओं पर चलना चाहती है। तो बंते जी, मैं अभी यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से हूँ, मगर यहाँ आप बात करते हैं अम्बेडकरवाद की, बुद्धवाद की, मगर आपको ये बैनर पे बाबा साहब का कहीं चित्र नहीं, ऐसा क्यों? देखो, आज भारतीय बौद्ध संघ का था और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हमारे बुद्ध हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं। बाबा साहब का जन्मदिन अभी हम लोगों ने तालकटोरा में बड़े पैमाने पर हम लोग मनाया, आपको मालूम होगा, वीडियो उठा के देख लीजिए कि हर मेरे मूवमेंट में डॉक्टर अम्बेडकर दिखाई देते हैं और डॉक्टर साहब अम्बेडकर हैं, तो बुद्ध धर्म के विचारधारा उन्होंने बढ़ाया और हम भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा ही बुद्ध धर्म की तरफ आए हैं। जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म से वो कितने जो आगे इसको ले जा सके? मैं देश के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भगवान बुद्ध के विचारधाराओं से जुड़ें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की उनकी लड़ाई थी, और भगवान बुद्ध ने सत्य और अहिंसा अत दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, किसी के भरोसे मत रहो, आप अपनी रास्ते पर चलिए। और मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि बौद्ध धर्म भारत में सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, जो विदेशों में चला गया है वो धर्म को भारत में दोबारा लाना है, यही भारतीय बौद्ध संघ का उपाय।